अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके BTC DLED सेकंड सेमेस्टर एग्जाम डेट। तो दोस्तों काफी बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि सर पेपर कब से हो रहा है। कोई बच्चा बोल रहा है सर 4 तारीख से हो रहे हैं क्या पेपर, कोई बच्चा बोल रहा है 7 तारीख से हो रहा है, कोई 6 तारीख से बोल रहा है। तो दोस्तों 4 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त क्या है सच्चाई, दोस्तों सबको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग के लिए एक अच्छी खबर आई है कि देश भर में अब ऑनलाइन मिलेंगे DLED, BEd, MEd डिग्री प्रमाण पत्र। तो दोस्तों अब ऑनलाइन मिलने से यह फायदा होगा कि कॉलेज के चक्कर आपको नहीं लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर, इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद और डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ऑनलाइन मिलेंगे BEd, MEd डिग्री प्रमाण पत्र। देखिए दोस्तों, BEd, MEd जैसे शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स कर चुके युवाओं को अब अपनी डिग्री का प्रमाण पत्र ऑनलाइन मिल पाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या NCE ने एक पोर्टल शुरू किया है। आप इन दोनों कोर्स सहित DLED, MPED और DPED जैसे कोर्स कर चुके विद्यार्थियों को अपनी डिग्री प्रमाणित करवाने का नियम है। यह प्रक्रिया मैनुअल की जाती है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने शुक्रवार को NCTE की नई इमारत में इस पोर्टल को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि इसका फायदा शिक्षकों और विद्यार्थियों को भी मिलेगा। NCE चेयरमैन सतवीर बेदी ने बताया कि देश में 19,000 BEd कॉलेज है, जहां से लगभग 19.5 लाख युवा शिक्षक बनकर निकल रहे हैं। इस समय कुल 90 लाख शिक्षक देश के 15.2 लाख स्कूलों में 25 करोड़ से अधिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये बात आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब एक चीज आपके लिए अच्छा हो गया कि अब आप लोग जो है ना ये सब ऑनलाइन ले पाएंगे, जो DLED का आता है, BEd का आता है, MEd का डिग्री प्रमाण पत्र, अब आपको कॉलेज के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो सबके लिए अच्छी खबर है। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने आए थे कि जो आपका DLED सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा अगस्त के पहले सप्ताह में होगी, ये खबर आपके न्यूज पेपर में आई थी, ये आपने देखा होगा। देखिए दोस्तों, इस समय आप लोग का जो BTC का नया बैच है 2019, उसका एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, BTC नया बैच। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कहाँ बच्चे फंसने आ रहे हैं, हम तो पहले से करके परेशान है। तो दोस्तों फिलहाल ऐसा हो रहा है, तो आपको हम सोचिए बता दें, आप लोग को ऐसे पता ही होगा दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों इसीलिए देखिए, अभी तक डेट का ऐलान इसीलिए नहीं हो सका है कि आप लोग का जो 4 अगस्त तक आप लोग का जो है ना, 4 अगस्त तक आपके कॉलेजेस में फीस की पेमेंट की जाएगी। तो सभी कॉलेज इस समय दोस्तों बहुत ही ज्यादा बिजी होंगे, हर कॉलेज का शेड्यूल बहुत ही बिजी है। अब वहाँ जो भी अकाउंट डिपार्टमेंट होगा, अब नए बच्चे आते रहते हैं, फीस जमा करनी है सब कॉलेज में एडमिशन। तो आप लोग ने भी लास्ट टाइम लिया होगा दोस्तों, जब फर्स्ट सेमेस्टर में आओगे तो आपने भी पूरी एडमिशन की प्रक्रिया कराई होगी, काफी टेंशन में रहे होंगे। तो दोस्तों हो सकता है इसीलिए आप लोग का जो डेट है परीक्षा का अभी तक ऐलान नहीं किया गया। देखिए अभी तक ऑफिशियल तौर पर दोस्तों कोई भी डेट का ऐलान नहीं हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो ये सब डेटें आ रही 4, 6, 7, कोई बच्चा बोल रहा था सर 1 तारीख से ही हो जाएगा पेपर, तो ये सब अभी तक सच नहीं है। अब दोस्तों आप लोग 10 विकल्प बता देंगे, तो उसमें से कोई ना कोई दिन पेपर हो सकता है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। देखिए आपको तैयार क्या रहना है, तो आप लोग तैयारी मेन करते रहिए, पेपर आप लोग को जल्दी हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अफवाह से रहिए सावधान, कि काफी बच्चे प्लानिंग कर लेते हैं कि सर 7 से 10 पेपर हो जाएगा, तो 11 तारीख की हमने टिकट कर ली कहीं घूमने जाने का प्लान। तो इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों आप लोग को अफवाह से बचना है। जब आपके पेपर होंगे दोस्तों, हम आपका डेट का जो भी डेट्स आएगी हम आपको YouTube पर अपडेट कर देंगे, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो काफी बच्चे पूछ रहे थे सर बता दीजिए सच वाली डेट क्या है, तो दोस्तों अभी सच वाली कोई डेट आई नहीं है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। जैसे ही आपके रियल डेट आएगी दोस्तों, हम आपको अपडेट तो कर ही देंगे। तो ध्यान में रखना है दोस्तों आप लोगों कि आप लोग कहीं बाहर जाने का प्लान मत करिएगा इस बीच, कि अगर आपका कहीं प्लान है कि भाई चलिए घूम के आते हैं, अगस्त का महीना आ रहा है, घूमने चलते हैं, गोवा चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं, तो अभी टूर प्लान मत करिएगा अपना, पिकनिक, तो क्योंकि होता है ना कि हम लोग अभी कोई भी डेट एक्सपेक्टेड बता दो, उसके बाद दोस्तों काफी बच्चे होते हैं कि चलो कहीं घूम कर आते हैं, तो ये अभी सही नहीं है दोस्तों। तो अभी फिलहाल आपके पेपर नहीं होने वाले हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जैसे डेट आएगी दोस्तों हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन हाँ, BTC का थोड़ा रूल खराब है, हो सकता है कि 2 दिन पहले डेट आ जाए कि चलिए परसों से पेपर हो रहे हैं या कल से ही हो रहे हैं, तो ये सब होता है। तो आप लोग को तैयार रहना, इसीलिए दोस्तों हम बोलते हैं कि आप लोग से तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहिए और पेपर जल्दी होंगे, तो आपको पेपर के लिए पूरी तरीके से तैयार रहना है। तो दोस्तों चलिए कुछ बातें और कर लेते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। काफी बच्चों के सवाल आ रहे थे कि सर इतने सब्जेक्ट्स हैं, क्या करें, कैसे पढ़ें, क्या होगा। देखिए हमारा दोस्तों मेन फोकस होता है मैथ पर लेके खाली, तो दोस्तों हमने मैथ के आपको लगभग 3 वीडियोस प्रोवाइड कर दिए, उसके बाद पता नहीं कितनी वीडियोस हैं, पिछले सालों के पेपर सोल्यूशन भी है। तो अगर आपने पहली वीडियो बहुविकल्पी प्रश्न की,
दूसरी वीडियो दोस्तों आप लोग की अति लघु उत्तरी प्रश्न की, और तीसरी वीडियो लघु उत्तरी प्रश्न की। तो सारी वीडियो अगर आपने दोस्तों देखा होगा तो आपको लगा होगा यार वीडियो तो बहुत बड़ी है, लेकिन आपको समझाया भी काफी अच्छे से गया है कि आप लोग का एक एक छोटा सा छोटा टॉपिक क्लियर हो सके। दोस्तों हमारी मंशा रहती है कि आप लोग हर चीज समझ सकें। अब कभी कभी दोस्तों होता है कि हमने भी वीडियो बनाई, ऐसी बात नहीं, कभी हमने 10 प्रश्न की वीडियो बनाई तो बच्चों ने कहा सर और प्रश्न होने चाहिए, फिर हमने 20 की बना दी तो बच्चों ने कहा और होने चाहिए, फिर हमने 50 की बनाई तो दोस्तों बच्चों ने कहा और होनी चाहिए, तो इस बार हमने 95 क्वेश्चन तक की भी वीडियो बना दी कि आप लोग अगर पढ़ते रहे तो सही है। हम चाहते हैं आप लोग जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा दोस्तों आपके दिमाग में घुसते हैं। अगर दोस्तों आपने एक तरह की एक चीज याद रखिए, अगर आपने दोस्तों एक तरह के 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आप लोग जब 26वां क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें किसी भी प्रकार के कितना भी ट्रिकी क्वेश्चन हो, कितना भी घुमा कर पूछा गया हो, तो आप चुटकी बजाते दोस्तों उस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों हम चाहते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन पढ़ते रहें, आप लोग का रिवीजन होता रहेगा। तो अभी मौका है, मतलब इस बार अगर डेट बढ़ रही तो आप लोग के पास एक अच्छा मौका है, इस बार आप लोग पेपर में अच्छे नंबर स्कोर करिएगा जिससे कि आपका आने वाले टाइम में जो बीटीसी के भी दोस्तों 10% नंबर आपके पेपर में जुड़ते हैं, जब नौकरी आप पाएंगे ना जो बीटीसी का ओवरऑल आपका परसेंटेज बनेगा तो उसका 10% अंक जोड़ा जाता है। तो कोशिश करिएगा कि चलिए आप लोग एक चीज याद रखिएगा, सभी बच्चों को एक चीज करना है, अगर उनको प्रैक्टिकल में नंबर नहीं मिलते तो वो बहुत ही स्ट्रिक्टली बात करेंगे अपने कॉलेज जो भी होगा वहाँ का हेड प्रिंसिपल मैनेजर जो भी हो बीटीसी। दोस्तों आप लोग कोई बहुत बड़ा कोर्स नहीं कर रहे तो आप लोग वहाँ उनसे सीधे बात करिएगा कि सर हमें नंबर चाहिए। इस नंबर की वैल्यू दोस्तों होती है, नंबर की वैल्यू आपको दिन पता चलेगी दोस्तों जब आप लोग का एक नंबर आधे नंबर से नौकरी रह जाएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में दोस्तों कुछ बच्चे होते हैं सर कह रहे थे, शिकायत कर रहे थे सर हमें 50 में से 42 नंबर, 45 नंबर, 46 नंबर ऐसे मिलता है। दोस्तों बीटीसी कर रहे हैं तो आपको 50 में से कम 49 से कम नंबर नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है काफी बच्चे पैसे देते हैं, काफी बच्चे कॉलेज जाते हैं, काफी बच्चे प्रैक्टिकल की फाइल लिखते हैं, तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चों ने कहा सर कुछ बच्चे पैसे देकर 49 50 में 50 पा लेते हैं, हम रोज कॉलेज जाते हैं हमें 45 मिलता है, ऐसा क्यों होता है? तो कॉलेज जाना दोस्तों रोज बड़ी बात नहीं है, थोड़ा उनसे आप लोग जो भी कहिए आप लोग थोड़ा मिलजुल कर रहिए टीचरों से तो सही रहता है, लेकिन आपको नंबर चाहिए दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है आपको नंबर कैसे लेना उनसे, ठीक है ना। जैसे भी दें दोस्तों नंबर आपको लेना है, क्योंकि नंबर की जरूरत बहुत पड़ेगी। 69,000 आपकी शिक्षक भर्ती चल रही है, आप लोग को पता होगा। अभी देखिएगा दोस्तों जिस दिन रिजल्ट इसका क्लियर होगा ना, रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आएगा, अभी तो फिलहाल कोर्ट केस में चल रहा है मामला, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना आपको बता दें कि 65 गुणांक से लेके 75 गुणांक के बीच में और 60 से लेके 75 पूरा मान लीजिए, इसके बीच में लगभग 2 लाख बच्चे हैं, 2 लाख से अधिक बच्चे दोस्तों इनका गुणांक बन रहा है 60 से लेके 75 के बीच में। कुछ आइडिया है आपको? 2 लाख बच्चे हैं दोस्तों सिर्फ 15 अंक के गुणांक के अंदर में, 15 अंक के अंदर में 2 लाख से अधिक बच्चे हो जाएंगे। अब बताइए सबका जो डिफरेंस आएगा पॉइंट्स में ये तो जाएगा ना, तो पॉइंट्स में एक बच्चा आगे होगा, पॉइंट्स में एक बच्चा पीछे होगा, तो उसके पूरे करियर का। अब दोस्तों देखिए आप इंटर हाई स्कूल का तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, जो 10वीं में पा चुके हैं, 12वीं में पा चुके हैं, ग्रेजुएशन में पा चुके हैं, अब आपके पास अंतिम मौका है बीटीसी में नंबर पाने का, तो आप लोग को इसमें अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करने हैं। देखिए प्रैक्टिकल के नंबर भी जरूरी होते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं चलो हम पेपर दे के अच्छे नंबर ले आएंगे, 50 में 50 लाने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, बहुत अच्छी कोशिश है आपकी 50 में 50 लाइए, लेकिन उसी सब्जेक्ट में आपको 50 में 49 नंबर प्रैक्टिकल में भी चाहिए होंगे। तो आप लोग दोस्तों पूरी कोशिश करिएगा कि आपके जो टीचर नंबर नहीं देते तो उनसे बात करिएगा कि सर हमें नंबर दीजिए, जो कहिए हम करने को तैयार हैं, जैसा भी आप चाहते हैं उतनी हम फाइल बना देंगे, उतना ये कर देंगे, उतनी हम तैयारी करेंगे, उतना मेहनत करेंगे, उतना कॉलेज आएंगे, लेकिन नंबर के साथ आप नाइंसाफी मत करिए। तो दोस्तों हमने अक्सर देखा जो बच्चे सीधे होते हैं उनको नंबर कम दिए जाते हैं, तो अब आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी दोस्तों, नहीं तो आगे सुनने वाला आपका कोई नहीं मिलेगा। ये आपके पास अंतिम मौका है बीटीसी में अच्छे स्कोर आपको लाने हैं। देखिए कम से कम अगर आप देखिए कि आपको पता होगा कि बीएड के बच्चे और आपके पेपर में सम्मिलित हो गए हैं, याद ही होगा कि बीएड के बच्चे आ गए ना, तो वो बीएड के जो बच्चों का परसेंटेज बनता है 70% बनता है हाईएस्ट लगभग, और आप लोग का 90% मिनिमम। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे 90 से कम बीटीसी में पा रहे हैं तो उनका बीटीसी करना आगे चलकर बेकार हो जाएगा, जो बीएड कितने बच्चे आ रहे हैं। तो कोशिश करिए कम से कम आपका चांसेस हो प्रैक्टिकल में, चाहे जितने नंबर लेने पड़े लीजिए, लेकिन 90% आपको बनाना है, ये आपकी अगली कोशिश होनी चाहिए दोस्तों। 90 से कम में तो बात होनी नहीं चाहिए कि हम लोग जो बीटीसी बच्चे कर रहे हैं वो 2 अंक का गुणांक सीधे डिफरेंस यहाँ क्रिएट कर सकें, +2 अगर दोस्तों आप लोग जाएंगे ये, क्योंकि यहाँ पर 10% लिया जाता है तो मतलब 7 नंबर होगा, ये 9 नंबर होगा, तो दोस्तों आपका 2 अंक का ये गुणांक आगे चलकर आपको नौकरी दिलाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। अगर आज के डेट में आप बीटीसी करके
ऐसे परसेंटेज ला रहे हैं, 82% ला रहे हैं, 80% ला रहे हैं, या कुछ बच्चे 75 ला रहे हैं, तो ये बच्चे दोस्तों इनका फ्यूचर फिर बेकार है। बीटीसी करना आपका बेकार हो जाएगा, याद रखिएगा। कोशिश करिए 90, 91, 92, 93 जो भी परसेंटेज बने बन सकते हैं, कैसे, प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर लाकर। उसके बाद दोस्तों आप लोग अच्छी कोशिश करिएगा, ठीक ठाक नंबर लाएगा, एवरेज नंबर भी लाएंगे आप लोग ठीक ठाक, तो भी आपके 90% आप पहुंच जाएंगे। तो टीचिंग में आपको पता होगा दोस्तों 100 नंबर का होता है, कोई बच्चा 99 से कम तो नहीं पाता ना, सबको पता 99 नंबर आराम से मिलते हैं। उसके बाद 100 नंबर की इंटरनल टीचिंग होती है, जिसमें कॉलेज वाले बहुत ज़्यादा क्या बोले दोस्तों, कहते हैं सर हमारी, लेकिन हाँ 85 नंबर ऐसे देते हैं बच्चों को, 80 नंबर ऐसे देते हैं, तो भाई बच्चों ध्यान दो, नंबर कम ना पाओ, उसमें भी आपको 99 नंबर लाने होंगे, ठीक है ना। आप अगर चाहते हैं कि 90 से ऊपर परसेंटेज जाए आपको, तो आपको वहां पर भी 99 नंबर लेना होगा। या बोलने तो सभी एक्सपर्ट होते हैं, आप लोग यूट्यूब पर इतना बोलते हैं, कमेंट कर लेते हैं, तो वहाँ उन पर भी सामने कमेंट करिए ना, टीचर के डरते क्यों हैं, कुछ खा जाएंगे क्या वो टीचर लोग। तो अच्छे से दोस्तों आप लोग देखिए, गुस्सा भी आपको दिखाना होगा, नंबर को लेकर किसी भी प्रकार का आपको शर्म नहीं दिखानी है। कुछ बच्चे शर्मा जाते हैं यार 1 नंबर से क्या होगा, लेकिन दोस्तों हम 69,000 आपकी पूरी शिक्षक भर्ती देख रहे हैं, तो हमें उस 1 नंबर की वैल्यू हमें पता है, आपको आगे चलकर पता चल जाएगी। लेकिन आज दोस्तों आपको पता है, जो बीटीसी में एडमिशन होते हैं, आप लोग को शायद पता होगा कि कुछ क्राइटेरिया जनरल में 50% मिनिमम ग्रेजुएशन में होना चाहिए, कुछ बच्चों के परसेंटेज थे 49.9 समथिंग, ऐसे सच में बता रहे हैं, हमें इसकी वीडियो भी बनाई है, देख लीजिएगा। इतने परसेंटेज वाले बच्चों का एडमिशन रुक गया, जब ऑनलाइन भरा जाता है वहाँ 1-1 नंबर की वैल्यू दोस्तों यहाँ पता चलती है, तो वैल्यू होती है दोस्तों 1 नंबर की। लेकिन हाँ टीचर से कहिएगा, अभी प्रैक्टिकल आपके बचे हैं, नंबर आपको अच्छे लेने, और टारगेट होगा आपका 90 से ऊपर परसेंटेज। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। अभी पेपर की डेट नहीं आई ऑफिशियल तौर पर, जैसे आएगी हम सबसे पहले आपको बताएंगे। अफवाह से आपको सावधान रहना है, कहीं पर बाहर जाने का प्लान मत करिए, जैसे ही डेट्स आएगी हम आपको बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।